हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता है, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही यूनिक सा नाश्ता है ये। आप सिंपल घर के सामान से इसे बना सकते हैं और इसे हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे राई, सौंफ, मेथी और थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा ये जब चटक जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच मूंगफली लिया है। इसे हल्का सा टॉस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, ताजे मटर यहाँ पे डालना है। इसे भी हम 1 से 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के, होममेड गरम मसाला। अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे हमें बिल्कुल सिम आंच पे अच्छे से भून लेना है, ताकि अच्छे से सुना हो जाए, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और इसे सिम आंच पे हमें भूनना है, जले नहीं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू मैश किए हुए, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। अगर आपके घर में कुछ भी सामान नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से। और यहाँ पे अब हम डालेंगे थोड़े से किशमिश, इसमें कुछ क्रंचनेस लाने के लिए, जिससे बहुत टेस्ट लगेगा। और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे इसको और भी चटपटा बनाने के लिए और थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए नींबू का रस। यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सोना सोना अच्छा सा हो जाए। देखिए ये बिल्कुल मसाला बन के तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार सा चटपटा। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये कुछ देर बाद ठंडा हो गया है। तो अब हम हाथ से इसको छोटा छोटा बॉल टाइप का बना लेंगे और इसे हल्का सा फ्लैट कर देंगे इस तरीके से, टिक्की के आकार का। मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल सेव दिया है। इस तरीके से सारे आलू की टिक्की हम बना के रख लेंगे। और अब इसे फिल करने के लिए हम बनाएंगे एक बैटर। तो यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा ले लिया है, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेसन और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और पानी डाल के बिल्कुल गाढ़े बैटर को हम घोल लेंगे। ज़रा सा इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए। उसमें हम हल्का सा चुटकी भर डालेंगे बेकिंग सोडा और पानी डाल के बिल्कुल अच्छा सा घोल में तैयार कर लेना है। घोल बिल्कुल भी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इतना रहना चाहिए कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। बहुत पतला रहेगा तो भी वो तेल में जाके पूरा फैल जाएगा, और बहुत गाढ़ा रहेगा तो मोटा मोटा सा परत हो जाएगा उसका। तो देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए। और बैटर को हम फुला के रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। देखिए 1 घंटे बाद बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है, देखने से लग रहा है ना गाढ़ा सा बैटर तैयार है। अब इसको हम इसमें डिप करेंगे और इसे हम सरसों के तेल में फ्राई कर लेंगे। आप किसी भी तेल में, अपने मनपसंद ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हैं। वैसे रिफाइंड बहुत ही अनहेल्दी होता है, इसलिए आप सरसों के तेल में इसे फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और देखिए इसे हम अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखने से लग रहा है कि कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ये घर के सिंपल सामान से बन जाता है, आटे और गेहूँ से, अरे गेहूँ के आटे और आलू से। तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो और बाहर का आप नहीं खाना चाहते हो तो बना सकते हैं। सर्दियों में तो आप खास तौर पे इसे बनाना चाहेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा आलू का नाश्ता बन के तैयार है, बिना लहसुन और प्याज का टेस्टी और कुरकुरा क्रिस्पी। इसे आप चटनी के साथ खाएं या फिर सॉस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता, करारा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मुँह में पानी ला देने वाला। इसे तोड़िए, देखिए बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बना।